हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज माय बॉस इज माय हस्बैंड का पार्ट 6 लेके आई हूं। एंड तो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग किंग ने डांट रहा था उसके मैनेजर को कि तुम कौन हो सकते हो, मीन्स क्या सही है क्या गलत, तुम कौन हो सकते हो, वो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने वाले, तुम कौन होते हो बोलता है। तो उसका मैनेजर बोलता है सॉरी बोलता है। एंड उसके बाद ना अभी शाम हो जाता है। एंड डेली वांगजिंग ना उनको ना घर को छोड़ता है ना। तो आज भी सेम था, पर वांगजिंग ना थोड़ा बहुत गुस्से में था। तो उनको ना समझ में नहीं आता है क्यों वो गुस्सा है। डेली ना वो थोड़ा नॉर्मल टाइप रहता है, पर आज थोड़ा गुस्सा दिख रहा है। तो वो ना कुछ मीन्स पूछने की कोशिश करता है, पर उसको गुस्से में देख के ना वो कुछ भी नहीं बोल सकता है, मीन्स साइलेंस रहता है। फिर ना विंग की बहन का मैसेज आता है कि तुम ना वांगजिंग के साथ घर में आ जाओ, हम लोग आज बातचीत करेंगे, बहुत दिन हो गए हम लोग मीन्स बात नहीं करे, वो ये बोल के ना बोलती है उसकी बहन। तो विंग ना ठीक है बोलता है, वो ना चैटिंग करते हैं दोनों भी। उसके बाद ना विंग ना वांगजिंग की तरफ देखता है एंड बोलने की कोशिश करता है। तो यह ना वांगजिंग ना बहुत गुस्से में है। तो विंग ना बुलाता है, बॉस क्या मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, मेरी बहन को मुझसे बातचीत करने का है बोल के बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि मुझे ना ऑफिस मीन्स ऑफिस में से बोलो बॉस, अभी घर में तब मुझे ना नाम से बुला सकते हो बोलता है। तो यह ना विंग ना सोचता है कि उसने थोड़ा स्टेप लिया है, मीन्स इतने दिन से अभी स्टेप लिया है, मीन्स बॉस ने मुझे वांगजिंग बुला बोल के वो ना एक स्टेप लिया है, मीन्स रहता है ना मीन्स पहले नाम से पकड़ना, फिर उसके बाद फ्रेंडशिप करना, फिर ऐसे ऐसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है बोल के ना विंग ना सोचने लगता है। एंड सोचता है कि ये ट्राई कर रहा है पर बहुत लेट से, पर इसके कैरेक्टर के हिसाब से वो ये बोलना वो बहुत ही मुश्किल था बोल के ना सोचता है, मीन्स उसका कैरेक्टर के हिसाब से ना वो यही बोलना मीन्स मेरे नाम से पुकारो ऑफिस के बाहर बोलना है वो ना बहुत ज़्यादा है बोल के ना वो सोचता है। यह ना वांगजिंग बोलता है कि उसके ड्राइवर को बोलता है कि आज ना तुम डायरेक्ट मेरे घर के पास ड्रॉप कर दो बोलता है दोनों को भी। तो उसका ड्राइवर ठीक है बोलता है एंड यू टर्न लेके उसके घर के पास चल जाता है। एंड उसके बाद ना विंग जाता है उसकी बहन के पास एंड वो दोनों बैठ के ना अभी गपशप चलता ही चलता है। तो वांगजिंग का भाई आता है एंड वांगजिंग को बोलता है कि ये दोनों ना अभी मिल गए ना, अभी हम दोनों को देखेंगे भी नहीं, तो हम लोग ना आज थोड़ी बातचीत करेंगे, हम लोगों के पास भी सीक्रेट्स है ना बोल के ना उन दोनों के सामने जा के और चिल्लाने के लिए बोलता है कि हम दोनों के पास भी सीक्रेट्स है तो हम दोनों भी जा रहे हैं, तुम दोनों बात कर लो बोलता है। तो मीन की बहन बोलती है हाँ हाँ ठीक है तुम दोनों यहाँ से चल जाओ बोलता है। तो वांगजिंग का भाई एंड वांगजिंग दोनों भी रूम में जाते हैं एंड जाने के बाद ना दोनों भी बिजनेस के बारे में बातचीत करते रहते हैं। एंड उसके बाद ना सभी लोग बैठ के फिर डिनर करते हैं। एंड करते समय ना उसकी विंग की बहन पूछती है कि अभी तुम ना यहीं से रुक जाओ बोलती है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया एंड अंधेरे में जाना केयरफुल नहीं है वो ये बोलती है। तो वांगजिंग का भाई बोलता है कि तुम ना वांगजिंग के साथ सो जाओ बोलता है। तो वांगजिंग दिखता है क्या बोल रहे हो तुम बोलती ना वो ना एक्सप्रेशन देता है कि क्या बोल रहे हो बोल के। तो उसका भाई बोलता है कि क्योंकि गेस्ट रूम ना नीट नहीं है एंड अभी तुम घर भी नहीं जा सकते हो वो ये बोल के बोलता है। तो यह ना वांगजिंग भी ठीक है बोल के ना वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो
या ना सोचने लगता है कि हाँ मैंने सोया है उसके साथ, पर वो ना टू टाइम सोया है, पर वो ना डिफरेंट टाइम था एंड अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो या ना बहुत ऑकवर्डनेस हो जाता है एंड ना वो ना कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ना आने ही सकता है, मीन्स अभी क्या होगा क्या होगा। दोनों भी ना बार ना कुछ हो, किसी ना किसी एक ना पियोन सा था या उसका बॉडी कंट्रोल में नहीं था, दोनों के साथ ऐसा हुआ एक एक बार। पर प्रेजेंट में अभी तो दोनों भी नॉर्मल है, तो वो विंग ना बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड सोचता है कि वो ना डोमिनेट अल्फा है, तो अभी मेरे साथ क्या हो क्या ही होएगा बोल के ना वो सोचते हुए ना जाता है। उसके बाद ना रूम के अंदर जाने के बाद इसे ना बंकिंग मिलता है कि तुम ना बेड के ऊपर सोते हो, मैं ना सोफे के ऊपर सोता हूँ बोलता है। तो वो विंग बोलता है कि क्यों बोलता है, तो वो बंकिंग ना एक एक्सप्रेशन के साथ दिखते हैं कि तो क्या सोच रहे हो तुम बोल के ना वो एक एक्सप्रेशन देता है। तो विंग ने देखते हैं एंड कुछ नहीं बोल के ना वो ना कितना हो सकता है उतना दिल्ली जाता है एंड बेडशीट को पूरा लपट के ना सो जाता है। एंड उसके बाद ना वंजिंग ना उसको वन डिफरेंट एक स्माइल देता है, वो क्यों देता है उसको भी नहीं मिला स्माइल देता है। फिर वो सोचता है कि मैं क्यों स्माइल करा बोल के ना वो सोचता है एंड उसके बाद ना वो भी सोफे के एक बेडशीट लेता है एंड सोफे के ऊपर सो जाता है जाके। तो वो यहाँ ना सुबह हो जाता है एंड सुबह हो जाने के बाद ना दोनों भी एक ही साथ ऑफिस के लिए चले जाते हैं। एंड जाने के बाद ना अभी ना सभी दो तीन जने देख लेते हैं एंड सभी को पता चल जाता है कि दोनों भी एक ही साथ आए। वो ये बोल के ना वरना सभी लोग ना बहुत ज़्यादा गॉसिप करने लगते हैं, तो उसके मैनेजर को ना पता चल जाता है कि क्या गॉसिप मीन्स एक्चुअली में पूरा गॉसिप क्या है ना वो ना उसको पता चल जाता है। तो उसके बाद ना वो ना वांग जिंग को बोलना चाहता था पर वो ना डरता है कि कल के बारे में सोच के ना वो डरता है, इसलिए ना वो कुछ भी नहीं बोलता है एंड ऐसे टू थ्री डेज चल जाता है। एंड ये ना वांग जिंग को ना कभी विंग को दिखे तो ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग आ रहा है, तो वो ना सोचता है कि मुझे ना क्यों इतना डिफरेंट फील हो रहा है। वो ये बोल के ना वो सोचने लगता है मीन्स कितना भी गुस्सा होने दो कुछ भी होने दो उसको देखे तो ना मीन्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्यों हो रहा है। वो ये बोल के ना वो ना सोच रहा था, तो तभी इतना मम्मी का फादर का कॉल आता है एंड बोल रहा है कि मैं ना तुम्हारे लिए थोड़े मैचेस देख रहा हूँ, मैंने ना थोड़े फोटोज भेजे तो तुम ना देख के बोलो कि कैसे। वो ये बोल के बोलता है तो मंगी बोलता है कि मुझे ना किसी अभी ना मुझे ना शादी नहीं करने का है। वो ये बोलता है तो मंगी क्या फायदा है ना बोलता है कि मुझे ना कुछ भी नहीं मालूम, तुम ना शादी करना ही होगा करना ही होगा। वो ये बोल के ना कॉल ना काट देते हैं। तो वांग जिंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि सिर्फ बात करते समय कॉल कर दिया तो किसी को भी गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आएगा आपको भी गुस्सा आएगा। तो वांग जिंग को भी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो उसके बाद ना वो ना कुछ भी नहीं करता मीन्स पिक्चर्स भी नहीं देखते। तो उसका मैनेजर आता है एंड उसके मैनेजर आने के बाद ना वो ना दिखाने लगता है टैब में कि आपके फादर में बताया है कि आप कुछ भी होने दो आप नहीं देखोगे वो ना आपके फादर को मानेंगे। तो आपके फादर ने ना मुझे कॉल करके बोला है कि मैं तुम्हें थोड़े ओमेगा क्या पिक्स दिखा दूँ करके बुलाया है बोलता है। तो अभी भी वांग जिंग ना मैनेजर को थोड़ा बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि तुम ना कुछ तो बोल रहे थे ना तब कि मेरे एंड विंग के बीच में कुछ तो गॉसिप चला है,
तुम्हें पता चला क्या बोले तो उसका मैनेजर ना हाँ बोलता है एंड बोलता है कि अपना पहले ये देखो उसके बाद बात करेंगे बोलता है। तो वंकी बोलता है कि नहीं तुम ना मुझे पहले बोलो कि क्या गॉसिप चल रहा है बोलकर। तो मैनेजर ना पूरा बोल देता है कि क्या गॉसिप्स है, वो सभी चीज़ें ना बोलने लगता है। तो यह ना वंजिंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सभी एम्प्लॉयज सोच रहे कि वंजिंग विंग के ऊपर लाइन में रहा है, सोच रहे सभी लोग बोल के ना उसका ना गुस्सा आता है। तो उसके बाद ना उसके मैनेजर को बोलता है कि सभी लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं बोल के। तो उसका मैनेजर ना सर नीचे कर लेता है। तो वंजिंग बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं डांटूंगा, तुम ना बोलो मीन्स क्यों ऐसे सोच रहे हो बोल के ना वो ना बोलता है। तो उसका मैनेजर ना सर नीचे से लगाता है क्योंकि वो ना उसके फेस को देखे थे ना वो ना बहुत गुस्से की नज़रों से दिख रहा था। तो उसका मैनेजर ना सर नीचे लगा के ना बोलता है कि सभी लोग ना लाइन या टेक करने के लिए पूछने के लिए ना सभी लोग ना कुछ खाने के लिए देते हैं एंड केयर करते हैं एंड पिक एंड ड्रॉप करते हैं बोलता है। तो मुझे बोलता है कि क्या मैं उसको ना माफ़ी मांगने का तरीका है मेरा बोलता है। तो उसका मैनेजर ना अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये कौन से टाइप से माफ़ी मांगने का तरीका है, उस इंसान को बोलना भी चाहिए ना कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ बोल के, और ना माफ़ी मांग रहा है बोल के ना बोल रहा भी नहीं है मीन्स या ना मेरे को मालूम ही नहीं है कि वो माफ़ी मांग रहा है बोल के। तो वो मैनेजर भी बोलता है सोचता है कि माफ़ी मांगे तो बोलना चाहिए ना कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ बोल के, वो मीन्स खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना उसमें एक नोट तो लिखना चाहिए एटलीस्ट देने के बाद माफ़ कर दो बोल के ना बोलना भी चाहिए ना कुछ भी नहीं देता है एंड मस्त चल जाता है। तो सभी लोग वही सोचते हैं ना बोल के ना वो मैनेजर सोचता है पर कुछ भी नहीं बोलता है। तो यह ना मंगी बोलता है कि बहुत डर रबिश बोलता है एंड ना अभी मैनेजर को बोलता है कि अभी ना मुझे बहुत गुस्सा है तो अब तुम ना ये पिक्स लेके जाओ एंड बोलो कि मुझे ना कोई भी पसंद है बोल के ना बोलता है। तो अभी मैनेजर भी कुछ भी नहीं बोलता है, ले लेता है एंड चल जाता है कुछ भी नहीं बोलता है। तो शाम को ना वंजिंग ना घर के लिए जा रहा था तो विंग ना सामने से आता है कि बोलता है कि मुझे ना भूल गया वो क्या बोल के ना वो ना गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है। तो यह ना वंजिंग ने ना कलीज बोला था कि तुम मुझे ऑफिस के बाहर नाम से बुला सकते हो बोल के ना वो कलीज बोला था। तो आज ना विंग ना सामने से आया था या ना वंजिंग को ना गुस्सा आता है कि बॉस के साथ ऐसे कोई भी बात करते हैं क्या बोल के ना उसका ना गुस्सा आता है पर वो ना कुछ भी नहीं बोलता है अभी। एंड वंजिंग ना घर चल जाता है एंड उसके बाद ना उसके फादर ना आते वंजिंग के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि मैंने तुमको ना भेजा है थोड़े पिक्स एंड तुमने ना सभी को रिजेक्ट कर दिया वो ये बोल के ना वो ना बोलते हैं उसके फादर। तो उसके बाद ना विंग के अंकल भी आते हैं एंड वो भी समझाने लगते हैं मीन्स कि तुम ना शादी कर लो एंड वो लिस्ट है ना उन दो तीन जनों के बारे में वो विंग के अंकल ना पर्सनली जानते हैं वो ये बोल के ना बोलता है। तो वंजिंग बोलता है कि मुझे ना कोई भी पसंद है तो मैं शादी नहीं करूँगा बोलता है, अभी नहीं करूँगा पर अभी नहीं करूँगा बोलता है। तो दोनों भी ना समझा के ना दोनों भी थक जाते हैं। तो दोनों भी ना अभी इसको छोड़ दो बोल के ना वो लोग ना बैठ के ना बात करने लगते हैं कि अभी इसके लिए कौन से ओमेगा को देखना चाहिए वो ये बोल के ना वो दोनों फिर से बैठ के ना बातचीत करने लगते कि कौन अच्छा रहेगा वो ये बोल के ना बात करते रहते हैं। तो यह ना विंग का भी टॉपिक आता है। तो विंग के अंकल बोलते हैं कि
इसका भी ही मुझे शादी करने का है, तो इसके लिए भी मुझे आयकास ढूंढने का है। वो ये बोलते ना वांग जिंग के फादर को बोलते हैं, तो या ना वांग जिंग ना सुनने के बाद ना वो दो तीन जने अल्फा से इतना फ्रेंड्स सर्कल्स में, तो उन लोगों के फोटोज लेके आता है एंड उसके अंकल को देता है एंड बोलता है कि ये मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से है, तो ये अल्फाज ना बहुत अच्छे हैं, तो आप ना विंग का शादी इससे इन लोगों को उससे किसी से भी कर सकते हैं बोल के बोलता है। एंड आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज माय बॉस इज माय हस्बैंड का तो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जिंग एंड सुनने के बाद ना वो दो तीन जने अल्फा से इतना फ्रेंड्स सर्कल्स में, तो उन लोगों के फोटोज लेके आता है एंड उसके अंकल को देता है एंड बोलता है कि ये मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से है, तो ये अल्फाज ना बहुत अच्छे हैं, तो आप ना विंग का शादी इससे इन लोगों को उससे किसी से भी कर सकते हैं बोल के बोलता है। तो विंग के अंकल देखते हैं उसमें ना थ्री फोटोज रहते हैं, तो वो फोटोज को देखते हैं एंड बोलते हैं कि अभी तक ना मैं विंग से नहीं बात करा है, तो आज मैं जाके बात करूँगा, वो ये बोल के ना बोलता है एंड उसके बाद ना चल जाता है। तो यह ना वांग जिंग सोचता है कि अभी उसका शादी हुआ तो ये गॉसिप्स वो सब चल जाएंगे, मुझे ना कुछ अजीब फील होता है उसको देखे तो ये फीलिंग भी थोड़ा कम हो जाएगा, वो ये बोल के ना वो सोचता है, क्योंकि ना अभी ना वांग जिंग को ना शादी करने का नहीं, उसको ना और थोड़ा डेवलप होने के बाद शादी करने का जॉब में, तो वो ना सोचता है कि ठीक है अभी इसके ऊपर नहीं आएगा, मीन्स अभी इस वांग जिंग को शादी करो बोल के फोर्स नहीं आएगा, अभी सभी लोग विंग के शादी के पीछे भागेंगे बोल के ना वो सोचता है एंड वहाँ से सीन कट होता है एंड तो अभी यहाँ ना सभी लोग ना विंग को समझाने लगते कि तुम ना शादी कर लो, वो ये बोल के ना सभी लोग ना समझाने लगते हैं, पर यहाँ ना विंग को ना शादी करने का इस नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि कभी ना कभी वांग जिंग प्रपोज करेगा, वो ये बोल के ना वो सोच रहा है, या सभी लोग ना शादी करो शादी करो शादी करो बोल रहा है, बोल देवा ना फोर्स कर रहे थे। तो विंग बोलता है कि मुझे ना थोड़ा टाइम दो यार मुझे सोचने के लिए, वो ये बोल के बोलता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम ना एक दिन के लिए टाइम ले लो एंड कल रात सेम टाइम में ना मुझे ना बोलो कि क्या डिसीजन है कि करोगे या नहीं करोगे, मुझे ना कल रात में ही बोलना है एंड शादी कंपलसरी करना ही होगा बोलता है। तो या ना विंग बोलता है कि मुझे ना पहले सोचने दो बोलता है एंड उसके बाद ना नेक्स्ट डे वो जाता है ऑफिस में एंड जाने के बाद ना वो सोचने लगता है कि शादी करूँ कि नहीं करूँ करूँ कि नहीं करूँ बोल के ना वो सोच रहा था एंड वो सोचता है कि अभी ना मैं जाके ना वांग जिंग को डायरेक्टली पूछूंगा, वो ये बोल के ना वो सोचता है एंड वो सोचते हुए ना वो चले जाता है एंड जाने के बाद इस ना वांग जिंग बोलने लगता है कि मैं ना तुम्हें माफ़ी मांगने का तरीका है, वो ये बोल के ना सब कुछ भूलने लगता है। तो ये ना विंग को ना समझ में नहीं आता है कि सडनली क्यों सभी चीज़ें बोल रहा है बोल के ना वो सोचता है। तो एंड उसके बाद उसको समझ में आता है कि वो ना सॉरी बोल रहा है एंड वो कुछ भी लाइन नहीं मारा, वो ये बोल के ना उसको तब याद आता है एंड यहाँ ना वांग जिंग बोलता है कि मुझे आज सुबह ही पता चला कि तुम्हारा मैरिज के बारे में बातचीत हो रहा है बोल के बोलता है, पर यह ना थोड़ा झूठ बोलता है वांग जिंग। तो वो बोलता है कि मुझे आज सुबह ही मालूम पड़ा है, वो ये बोल के ना एंड मुझे कल पता चला था ये पूरे गॉसिप्स चल रहे एंड तुम्हें मालूम होगा ये कि नहीं मालूम होगा बोल के ना मैं ना पहले ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैरिज के बाद तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना बोल के ना बोलता है। तो
ना अच्छा ठीक है बोलता है एंड उसको समझ में आ जाता है कि वो बोलना क्या चाहता है, मीन्स वो ना सॉरी बोल रहा था एंड उन दोनों को भी उसको ना कुछ भी फीलिंग नहीं है, तो वो हम दोनों को बीच में कुछ भी नहीं है बोल के ना वो सोचता है। एंड उसके बाद ना वो विंग ना उसके अंकल को मैसेज करती कि अच्छा ठीक है मैं शादी करूँगा बोल के ना उसको मैसेज कर देता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि अच्छा गुड बोल के ना वो उसके अंकल ना मैसेज करते हैं कि तो ठीक है एंड आज शाम को 4 o'clock को ना तुम आ जाओ ऑफिस से, आज चलिए आ जाओ एंड तुम ना तुम्हारी बहन के घर में एच मिलो बोलता है। तो विंग कि लेकिन बहन के घर में क्यों बोले, तो उसके अंकल बोल देते हैं कि सभी लोग ना वही मीट हो रहे थे तुम भी वही आ जाओ बोलता है। तो विंग ना ठीक है बोल देता है एंड उसके बाद ना शाम को 4 बजे जाता है एंड जाने के बाद ना बातचीत करता है एंड ऐसी ना एक दिन के बाद ऐसी ना तीनों से मिल लेता है। मिलने के बाद ना तो फिर एक दिन ना सोच लेते हैं कि इन तीनों बंदे में से ना एक पसंद आया बोल के ना वो सोचते हैं एंड फिर से सेम प्लेस मीन्स उसकी दीदी के घर में इतना सभी लोग बातचीत करते हैं एंड या ना तीनों से मिलने के बाद एंड लास्ट एक जने को सेलेक्ट करे एंड या ना 1 week हो गया था मीन्स शादी करेंगे बोल के ना विंग ना ठीक है बोला। तो तब से लेकर अभी तक ना 1 week हो गया था, तो अभी ना 1 week में ना वो ना फर्स्ट डे किससे मिला है ना वही बंदा लास्टली फाइनलाइज हो गया था। तो यहाँ ना सभी लोग बातचीत करने लगते कि हमने जस्ट टाइम वेस्ट किया है, पहले इस दिन हमने देखने के बाद उसको ओके बोल दिया था ठीक था वो ये लोग बोल के ना बातचीत करते हैं। तो सभी लोग ना ये सोचते कि अभी कब शादी करना है वो ये बोल के ना और सभी लोग ना कन्वर्सेशन कर रहे थे। तभी ना वंगजिंग आता है एंड तो सभी लोग ना उसको थैंक्स बोल रहे, तो या ना विंग समझ में नहीं आता कि उसको क्यों थैंक्स बोल रहे बोल के उसको ना समझ में नहीं आता। तो वो पूछता है कि उसको क्यों थैंक्स बोल रहे बोल के ना वो पूछता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि इसने सजेस्ट किया था इन तीनों को बोल के ना उसका अंकल बोलता है। तो यह ना विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वंगजिंग ना उसने नहीं बोला है कि उसने सेट किया है एंड उसका ना थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि उसका पूरा प्लानिंग ना उसको ना समझ में आ जाता है। तो विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वंगजिंग ना विंग को देखता है तो विंग ना बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, तो वंगजिंग ना देख के भी अनदेखा करके ना वो चल जाता है। तो उसके बाद ना सभी लोग बात करते हैं कि अभी 2-3 दिनों के बाद ना हम लोग फिक्स करेंगे मीन्स कौन सा प्लेस एंड डेट वो सभी ना हम लोग 2-3 दिनों के बाद फिर से बातचीत करेंगे बोल के ना सभी लोग सोचते हैं। तो सभी लोग ठीक है बोल के ना वो लोग ना चले जाते हैं एंड उसके नेक्स्ट डे ना सभी लोग ना प्लान करते हैं कि सभी फैमिली मेम्बर्स मिल के ना डिनर करेंगे बोल के ना वो सोचते घर में ही सभी लोग मिल के ना डिनर करेंगे बोल के ना उन लोग ना सभी लोग सोचते। तो डिनर करते समय ना सभी लोग बातचीत करते कि अभी भी का शादी होने वाला है एंड प्लेस के बारे में वो ये बोल के ना सभी लोग ना बातचीत कर रहे हैं। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं करने का है बोलता है। तो सभी लोग ना शॉक होते क्यों पर मीन्स तब तुमने ठीक है बोला है कल तक भी ठीक था फिर तो आज क्या हुआ मिलकर पूछता है सभी लोग पूछते। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं बोलने का है पर मैं ना शादी नहीं करूँगा बोलता है। तो ना सभी लोग पूछने लगते कि क्यों नहीं करने का है इतने दिन से तुम ठीक थे पर अभी क्या हुआ ये बोल के ना सभी लोग पूछने लगते। तो विंग बोलता है कि मुझे ना अभी कुछ भी बात करने का नहीं है इस बारे में मैं ना मुझसे ना बात मत करो बोलते। तो उसके बाद ना सभी लोगों के डिनर होने के बाद ना सभी लोग ना उनको बिठाते हैं एंड सभी लोग ना सराउंडिंग्स पूरा बैठ जाते हैं एंड पूछते कि क्या हुआ
तुम क्यों बोल रहे कि तुम शादी नहीं करोगे? क्या तुम्हें कोई और पसंद है क्या? या तो वो पसंद नहीं है या क्या? वो ये लोग क्या है तुम्हारे रीज़न? वो बोल के ना सभी लोग ना पूछने लगते हैं। तो मिंग बोलता है कि मुझे ना कोई भी नहीं बोलेगा। तो यह ना वंकिंग में ना वो एक ठहर सा था, मीन्स अभी वो क्यों नहीं बोल रहा है बोल के ना वो भी ठहर के ना सुन रहा था, मीन्स क्यों नहीं कर रहा है वो ये बोले कि ना वो भी ठहर सा था। तो सभी लोग ना पूछने लगते कि क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो ये बोल के ना सभी लोग पूछते। तो मैं बोलता है कि मैं प्रेगनेंट हूँ बोलता है। तो सभी लोग ना शॉक हो जाते हैं एंड थोड़ा साइलेंस हो जाता है। एंड उसके बाद ना उसकी मम्मी पूछती है कि अच्छा ठीक है किसका बच्चा है बोल के ना वो पूछती है। एंड तो विंग बोलता है कि ये बच्चा वांगजिंग का है बोलता है। एंड वो ना कुछ भी नहीं बोलता है। तो यह ना वांगजिंग शॉक हो जाता है क्या प्रेगनेंट बोल के ना वो शॉक हो जाता है। एंड वो ना सामने विंग के सामने आता है एंड उसके शोल्डर्स को ना पकड़ता है एंड पूछता है कि मैं कब पता चला है वो ये बोल के ना वो ना पूछता है। वो ना गुस्से में रहता जब वो ना पूछता है कि तुम्हें कब पता चला है एंड मुझे क्यों नहीं बोले बोल के ना वो पूछता है। तो वंजिंग के फादर आता है एंड उसको ना पलटता है एंड झापड़ मारता है। तो यह ना फुल ऑन साइलेंस हो जाता है। तो उसके बाद ना विंग उठता है बोलता है कि उसका गलती नहीं था बोलता है। तो ये ना सभी लोग ना ये दोनों भी अभी क्या गेम खेल रहे बोल के ना वो लोग ना समझ भी नहीं आता। मीन्स पहले तो वांग जिंग आया एंड बोला कि इन तीनों में से किससे भी शादी कर बोला। एंड तो शादी करने के लिए बात करें तो यह विंग बोलता है कि मुझे टाइम चाहिए बोलता है। फिर उसके नेक्स्ट डे में एक कॉल करके बोलता है कि ठीक है बोलता है। एंड उसके बाद ना एक बंदे को उसे मीन्स ठीक लगा तो फिर उसके अगले दिन बोलता है कि वो प्रेगनेंट है। एंड अभी बोल रहा है कि वो गलती है। क्या बोल रहे हैं वो लोग बोल के ना सभी लोग मिलकर समझ में नहीं आ रहा है। तो यह ना विंग ना पूरा सब कुछ क्या हुआ सिचुएशन वो सभी ना बोलता है। तो सभी लोग ना पूछने के बाद बोलता है। तो वो सभी सिचुएशन बोलने के बाद ना अभी सभी लोगों को ना अभी किसको डांटना समझ में नहीं आ रहा। मीन्स यह ना एक के बाद एक दोनों का भी गलती है। तो किसको क्या बोलना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी ना सभी लोग ना उनको पूछते कि अभी तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो या निकाल देना चाहते हो एंड वांगजिंग के साथ शादी करना चाहते हो या किसी और के साथ करना चाहते हो ये ना तुम्हारे ऊपर है। कोई भी तुम्हें ना फोर्स करने वाला नहीं है बोल के ना सभी लोग ना बोलते हैं। तो यह ना विंग बोलता है कि मुझे ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मैं ना वांगजिंग के साथ शादी करूँगा बोलता है। तो अभी वांगजिंग ना बोल देता है कि मैं शादी करूँगा उसके साथ शादी करूँगा। वो ना स्टार्टिंग से उसका गलती से होता है। तो अभी ये होने के बाद भी ना वो पीछे तो बिल्कुल भी हटने वाला नहीं। तो वो बोलता है कि मैं शादी करूँगा बोलता है। तो भी या ना किसी को भी डांटने का नहीं है एंड कुछ भी बोलने नहीं सकते। तो वो जमीन लोग ना सोचते हैं कि अभी कितना हो सके उतना जल्दी शादी कर देंगे वो ये भी बोल के ना वो लोग ना सभी लोग ना सोचने लगते हैं। मीन्स इन कितने हो सके उतने करीब लोगों को बुलाएंगे एंड सभी लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है वो ये लोग बोल के ना वो सभी लोग ना प्लानिंग करते ही रहते हैं। तो यह ना मीन सोचते हैं कि मैंने तो झूठ बोला है भी सब सच पता चलने के बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। पर वांगजिंग को देखता है एंड मन में सोचता है कि बिना जस्ट तुमसे शादी होने दो फिर मैं बताऊंगा कि टॉर्चर किसी के कहाँ जाता है बोल के ना विंग ना सोचता है। तो यह ना वांगजिंग ना प्रेग्नेंट नहीं वो ना झूठ बोला है। तो एंड आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये वीक में ना वीडियो ना मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ, पर मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो को अपलोड करने के लिए मैं ना ट्राई करूँगी। एंड आया तो 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ ये वीक में तो। एंड मुझे ना ये बोलने का है कि मेरा वॉइस ना अटकता है, तो मुझे माफ़ कर दो। एंड मैं ट्राई करूँगी कि वो प्रॉब्लम नहीं होने के लिए मैं ना ट्राई करूँगी। पर मैं ना सडनली अभी पेड़ में बोले तो मैं ऐसे ना होएगा नहीं, मेरे को ना थोड़ा टाइम लगेगा। पर मैं ना कितना हो सके उतना सीखूँगी कि कितना हो सके उतना जल्दी बोलूँ एंड कुछ भी ना अटकूँ, तो मैं ना ट्राई करूँगी। तो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी को स्टार्टिंग में ये होता है कि विंग ना सोचता है कि किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन वो सोचता है एंड सोचता है कि जस्ट मेरा ना वॉन्जिंग के साथ शादी होने दो, फिर उसके बाद ना उसको तरह तरह के टॉर्चर करूँगा बल्कि ना विंग सोचता है, क्योंकि या ना विंग के पास ना कुछ भी ना तरीका नहीं है कि वॉन्जिंग को भी सताए, तो वॉन्जिंग ना विंग को ना निकाल के जॉब से निकाल के फेंक देगा। तो विंग ना ये सोचता है कि अभी शादी करने के बाद वो छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि ना सोसाइटी सभी लोगों को पता चलता है, पर या ऑफिस में उसको निकाल दिया है तो कोई किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ना विंग सोचता है कि वॉन्जिंग के साथ शादी करने के बाद ना उसको टॉर्चर दिखाने का सोचता है। एंड उसके बाद ना 1 वीक के बाद ना विंग एंड वॉन्जिंग दोनों का शादी कर देते हैं। उसके बाद ना उन दोनों का फर्स्ट नाइट होता है। तो फर्स्ट नाइट के दिन ना वॉन्जिंग ना सोफे के ऊपर जाके सोता है, तो विंग सोचता है कि भाई वो मेरे साथ सोएगा भी नहीं तो मैं कैसे टॉर्चर करूँगा बल्कि ना वो सोचता है। एंड उसके बाद ना विंग ना बुलाता है वॉन्जिंग को कि तुम ना मेरे पास आके सो, बोल जाए। तो वॉन्जिंग बोल रहा है कि लेकिन क्यों, तुम वहाँ ठीक हो ना, मीन्स कम्फर्टेबल हो ना, वहाँ सो, मैं यहाँ सो लूँगा, बोलता है। तो विंग बोलता है कि नहीं, मुझे ना तुम्हें पकड़ के सोने का है, बोलता है। तो वॉन्जिंग बोलता है कि मुझे ना कड़ल करके सोने का बिल्कुल भी मन नहीं है एंड मुझे पसंद नहीं, बोलता है। तो विंग मन में बोलता है कि मुझे मालूम है, इसलिए मैं तो इसलिए बुला रहा हूँ ना, बल्कि ना बोलता है कि विंग बोलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तुम ना मेरे बारे में आके सो, वरना मैं आज किसी को भी सोने नहीं दूँगा, बोलता है। तो वॉन्जिंग ना आ जाता है एंड बाजू में सोता है, तो विंग ना उसको ना कितना हो सके उतना कड़ल कर लेता है, मीन्स टाइटली उसको ना हग कर लेता है एंड सोता है। तो यह ना वॉन्जिंग को ना बहुत अच्छा लगता है एंड वो ना सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है एंड वॉन्जिंग ना उठ जाता है एंड विंग ना अभी भी सो रहा था। तो वॉन्जिंग सोचता है कि अभी इसको तो जाने दो, सोने दो, मैं अभी मुझे ना जल्दी जाने का है आज, बोल के ना वो उठता है एंड फ्रेश अप हो जाता है एंड जाके ना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो बीच ना उसकी मम्मी आती है एंड बोलती है कि तुम्हारे बारे में ना मुझे मालूम है, तुम्हें ना किसी के साथ रहना पसंद नहीं है एंड तुम ना किसी को तुम्हारे रूम में अलाउ भी नहीं करते हो, पर अभी ना विंग के साथ ना ऐसे तुम कर भी नहीं सकते हो, बोलती है। तो वॉन्जिंग बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, बल्कि ना वो बोलता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे मालूम है तुम ना केयर करोगे, पर अभी ना तुम और ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ना उसका ना मूड ना अभी चेंज हो जाए एंड वो ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें मांगेगा खाने के लिए एंड उसका ना मूड स्विंग्स होएंगे एंड उसकी बातें ना तुम मानो, बोलता है। तो वॉन्जिंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, बोलता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे मालूम है तुम ना उसको ना कितना हो सके उतना केयर करोगे, मुझे मालूम है, पर ना तुम ना गुस्सा ना मत करो, बोलता है। तो वॉन्जिंग बोलता है कि ठीक है, बोलता है। तो उसके बाद ना वॉन्जिंग ना ऑफिस के लिए चल जाता है एंड थोड़ी देर के बाद ना विंग उठता है एंड उठने के बाद ना दिखता है कि वॉन्जिंग नहीं है एंड तो विंग सोचता है कि उसको ना पूरी रात नींद नहीं आएगा, इसलिए ना वो कितना सुबह चला गया होगा दिल्ली, बल्कि ना वो सोचता है। पर यह ना क्या होता है कि वॉन्जिंग को ना नींद ना अच्छे से आता है, पर यह ना वॉन्जिंग को ऑफिस में ना काम था, इसलिए ना वो जल्दी चल जाता है।
मॉर्निंग ना उठता है एंड फ्रेश अप हो जाता है एंड उसके बाद ना ऑफिस के लिए चल जाता है एंड जाने के बाद ना सभी एम्प्लॉइज ना विंग को ना कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। सभी लोग ना बहुत क्लोज आ जाते हैं एंड सभी लोग ना बात करने लगते हैं। तो यह ना वांगजिंग ना आता है तो सभी लोग ना वांगजिंग को देख के ना सभी लोग डर जाते हैं एंड यहाँ वहाँ चल जाते हैं, मीन्स किसका काम वहाँ चल जाता है एंड यहाँ ना विंग ना कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसके बाद ना वो लोग ना घर जाते समय ना विंग ना वांगजिंग को बोलता है कि मेरे ना पैर दुख रहे तो मेरे पैर दबा दो बोल के ना उसके सामने लगाता है पैर। तो यह ना तो वांगजिंग को ना गुस्सा आता है तो वो ना बहुत सीरियस मूड में देखता है तो मीन देखता है एंड देखने के बाद ना वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मुझे ना नींद आ रहा है बोल के ना वो अपना पैर निकाल देता है एंड ना वो ना सो जाता है। उसके बाद ना रात हो जाता है एंड रात एक 2 o'clock को ना मिंग ना वांगजिंग को उठाता है एंड उठा के बोलता है कि मुझे ना कुछ खाने का मन हो रहा है तो मुझे ना कुछ बना के लेके आओ बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि अभी इतनी रात को तुम क्या ही खाओगे तो तुम ना सो जाओ बोलता है। तो मिंग बोलता है कि नहीं मुझे ना कुछ खाने का मन हो रहा है तो तुम ना बना के लेके आओ बोलता है। तो वांगजिंग ना उठता है एंड बनाने के लिए जाता है तो विंग सोचता है कि उसको ना खाना बनाना नया आता होगा बोल के ना वो सोचता है। पर यहाँ क्या होता है बोले तो वांगजिंग ना बहुत अच्छे से बना के लेके आता है खाना तो विंग ना अभी क्या ही बोले मीन्स वो ना क्या सोच रहा था कि वो ना टेस्ट करने के बाद मुझे ये पसंद है वो पसंद है बोल के ना वो नखरे और दिखाने की कोशिश करने का चाहता था। पर वो ना खाने बनाने में ना एकदम परफेक्ट था तो अभी ना विंग को ना वो खाने का मन होता है। पहले ना वो खाना नहीं चाहता था जस्ट वो ना उठाया है और अभी उसका डिश देखे तो इतना विंग को ना टेम्पटिंग लगता है मीन्स इतना अच्छे से डिजाइन करता एंड स्मेल भी ना उतना अच्छा आ रहा था। तो अभी ना विंग ना बैठ के ना खाता एंड खाने के बाद इसमें विंग को ना नींद नहीं आता है तो वांगजिंग को बोलता है कि मुझे ना नींद नहीं आ रहा है अभी मुझे ना कुछ स्टोरी या कुछ तो बोलो बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो क्या बोलता है। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं मानो मुझे ना कुछ सुनाओ या कुछ ना कुछ बात करो मुझसे मुझे ना नींद नहीं आ रहा बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तुम्हें ना जल्दी सोने का है तो क्योंकि ना तुम लेट हुए तो ना पनिशमेंट मिलेगा मैं लेट हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बॉस मिला है। तो विंग बोलता है कि पर मेरा बॉस मेरा हस्बैंड है बोलता है तो इसमें ना मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा बोलता है। तो अभी ना वांगजिंग ना कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि सच्चाई है एंड आज के लिए यही तक एंड मुझे ना ये पूछने का है कि ये स्टोरी में ना पार्ट वन में ना मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि वीडियो का वॉइस ना क्लियर नहीं बोल के तो वो मुझे पूछने का है कि मैं वीडियो फिर से बनाऊँ पार्ट वन वो ना मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो कि बनाऊँ या न बनाऊँ ना वो बोल दो। एंड ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं अभी पार्ट वन बनाई तो ये वीक में ना वो ही चाहेंगे तो मुझे ना वो बोल दो तो मैं अभी पार्ट वन बनाऊँ या इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ मुझे ना वो ना कमेंट बॉक्स में बोल दो। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर बाय। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ मुझे मालूम है मीन्स 1 week हो गया है तब मंडे लगाई थी अभी मंडे लगा रही हूँ एंड मुझे ना अभी कोल्ड हुआ है एंड गला भी ख़राब है तो इसलिए मैं बोल दे रही हूँ कि साउंड यहाँ हो गया तो अपना समझ जाओ क्योंकि ना अभी मैं वीडियो अभी गला ठीक करने तलक रुकी तो और लगेगा बहुत दिन लगेगा इसलिए ना मैं पहले से इस 1 week नहीं बनाई तो मेरे सब्सक्राइबर्स ना वहीं पर ही रुक गए एंड थैंक यू आप लोग अनफॉलो नहीं करे सो थैंक यू सो मच।
हाँ तो वो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। मकबक बहुत हो गया है तो स्टोरी को स्टार्ट करनी। तो वो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कि सभी लोग ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सुबह हो गया है एंड सभी लोग ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो विंग ना सभी वेजिटेबल्स को ना निकाल दे रहा था। तो विंग की बहन बोलते हैं कि तुम ना पूरे वेजिटेबल्स को मत निकालो, तुम ना वेजिटेबल्स को खाओ, इससे ना इम्यूनिटी बढ़ती है एंड तुम स्ट्रांग रहोगे, और ये बोल के भाषण देने लगती है। तो विंग बोलता है कि नहीं मुझे पसंद इतने बोल के ना वो निकालने लगता है। उसके बाद ना वांग जिंग की मम्मी पूछती थी, अच्छा ठीक है तुम लोग इतने देर से क्यूट है, मीन्स नॉर्मली तुम दोनों जल्दी उठ जाते हो एंड आज क्यों इतना लेट उठे हो बोल के ना आप पूछती है। तो यह ना वांग जिंग सोचता है कि विंग ने ना रात में ना बहुत ज़्यादा सताया था। पहले तो खाना बनाया वांग जिंग ने एंड खाना बनाने के बाद ना वो विंग खाने के बाद ना उसको सताने लगता है कि मुझे बात करो मुझे नींद नहीं आ रही है, वो ये बोल के ना उसको ना बहुत देर तक सताता है। वो या ना वांग जिंग ये सोचता है एंड या विंग सोचता है कि हाँ मैंने ना उसको बहुत ज़्यादा सताया था कल रात, मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था तो भी मैंने ना उसको बहुत ज़्यादा सताया था बोल के ना विंग सोचता है। एंड उसके बाद ना वांग जिंग की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ, मीन्स कुछ तो बोलो, मैंने पूछा है कुछ सवाल तुम बोलो बोलती है। तो वांग जिंग बोलता है कि विंग को ना खाने का मन हुआ था रात के 2 बजे, इसलिए मैंने उठ के खाना पकाया एंड उसको खिलाया एंड उसमें ना बहुत देर हो गया था एंड उस वजह से हम दोनों को नींद नहीं आया था, वो ये बोल के ना वरना बोलने लगता है। तो वांग जिंग की मम्मी बोलती है कि तो क्या मैं मीन्स कुछ ना कुछ बना के फ्रिज में लगाऊँ क्या, मीन्स रात में कभी भी खाने का मन हुआ तो उसको गर्म करके खाने के लिए बोलता है। तो यह विंग सोचता है कि ऐसे बना के लगाए तो उसको उठाने का क्या फ़ायदा बोलते ना। विंग बोलता है कि नहीं मुझे ना कभी डिफरेंट खाने का मन होता है तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा, तो तुम अपना मत ही बनाओ, वांग जिंग ना बना देगा बोलता है। तो वांग जिंग सोचता है कि क्या मैं एक शेफ हूँ, वो भी रात में बनाने वाला शेफ हूँ क्या बोल के ना वो ना सोचने लगता है। तो विंग ना वांग जिंग के हाथ के ऊपर मारता है और बोलता है कि अच्छा चलो अभी लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है अभी, चलो चलो बोलता है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो 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 बोल के ना हड़बड़ी करने लगता है। तो वो लोग ना ऑफिस के लिए चल जाते हैं जल्दी जल्दी एंड जाने के बाद ना नॉर्मल वर्क में दोनों भी जुट जाते हैं। एंड उसके बाद ना बहुत देर के बाद ना उनको नींद आने लगती है, तो वो ना ऐसे सो जाता है, काम करते हुए सो जाता है। तो यह ना वांग जिंग ना राउंड्स के लिए आता है, तो यह ना विंग को दिखता है कि वो सो रहा था बोल के उसको उठाता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो बोलता है। तो विंग बोलता है कि मुझे नींद आ रहा है बोल के ना उसके आँखों को मसल करते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है बोल के ना वो जिस फिर से सो जाता है। तो उसके बाद ना वांग जिंग ना बेंच के ऊपर हाथ पटकता है, तो विंग ना उठता है एंड देखता है। तो वांग जिंग बोलता है कि तुम ना मेरे ऑफिस में चलो बोलता है। तो विंग ना उठता है एंड ऑफिस रूम में चल जाता है एंड जाने के बाद इस ना वांग जिंग ना उसके मैनेजर को भी बाहर भेज देता है। तो इस रूम में ना अभी विंग एंड वांग जिंग दोनों ही हैं। तो वांग जिंग बोलता है कि तुम ना शाम के 5 बजे ना घर चले जाओ, रात तक मत रुको, तो अभी ना तुम काम में कॉन्सेंट्रेशन लगाओ एंड काम के वक्त ना मत ही सो एंड घर को जाके ना तुम ना सो जाओ बोलता है। तो विंग ना ठीक है बोलता है एंड बोलता है कि क्या मैं आज से ही जा सकता हूँ क्या बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि अच्छा तुम आज से जा सकते हो बोलता है। तो विंग बोलता है कि अच्छा थैंक यू बोलता है एंड वो ना निकल जाता है एंड काम करता है एंड करने के बाद ना 5 बज जाते हैं एंड वो ना उठता है एंड अभी विंग सोचने लगता है कि अभी मैंने झूठ बोला है तो झूठ की वजह से मुझे ना बहुत प्रॉफिट हो रहा है बोल के ना वो सोचने लगते हैं एंड सोचते हुए ना वो जाता है वांग जिंग के पास एंड पूछता है कि क्या तुम आने वाले हो या मैं अकेले चल जाऊँ बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि तुम ना
अकेले जाओ एंड फिर से कार बेच दो बोलता है, तो विंग बोलता है कि मुझे मालूम है बोलता है एंड वो ना चल जाता है एंड घर को जाने के बाद इसने बेड के ऊपर देता है एंड लेट देता है एंड सोचता है कि हाँ ये कितना अच्छा है ना, मीन्स एक झूठ भूलने से आपको इतना बड़ा कमरा एंड वो ये बोल के ना वो ना बोल रहा था मीन्स एक बेड मिला है एंड एक रूम एंड अभी हाफ डे से घर चले आना एंड सैलरी उतना ही। वो ये बोल के ना वो ना सोचने मीन्स बोलने लगता है, सोचता है बोलने लगता है, धीरे धीरे बोलने लगता है एंड सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं शादी एक रिच फैमिली में करूँगा बोल के ना मैंने कभी भी नहीं सोचा है बोल के ना वो सोचता है एंड उसके बाद ना वो सो जाता है कि ना वो इतने लेट रात में उसको वांगजिंग को सताया था तो वो ना बहुत ज़्यादा थक गया था एंड तो वो सो जाता है एंड उसके बाद ना 7 o'clock का ऐसे ना उसकी दीदी आती है एंड विंग को उठाती है, तो विंग ना उठता है एंड बोलता है कि अभी क्या हुआ मुझे क्यों उठाया बोलता है, तो विंग की बहन बोलती है कि बिना तुम ना खाना पकाना है तो तुम ना उठो एंड मुझे ना मदद करो डिनर बनाने में बोलती है, तो विंग बोलता है कि अच्छा ठीक है बोल के ना वो उठता है एंड खाना बनाने में ना हेल्प करता है पर वो काम ना पूरे बिगाड़ने लगता है, तो उसकी बहन बोलती है कि तुम ना सिर्फ खाटो वेजिटेबल्स खाटो उतना ही मदद मेरे लिए ठीक है, तुम ना खाना मत बनाओ तुम ना पूरे काम बढ़ा रहे हो तो तुम ना जस्ट वेजिटेबल्स खा के दो मुझे बोलती है, तो उसके बाद ना विंग सोचने लगता है कि भी मैं क्या करूँ मुझे ना कुछ भी खाने बनाने में ना इतना इंटरेस्ट नहीं है एंड मुझे खाना पकाने भी नहीं आता है तो मैं क्या करूँ बोल के ना वो सोचते हुए ना वेजिटेबल्स को ना मार मार के खाता है, तो उसकी दीदी बोलती है कि आराम से और छोटे छोटे खाटो इतने बड़े बड़े मत खाटो बोलता है, तो यहाँ ना विंग को ना एक आइडिया आता है कि अभी ना वो ना बड़े बड़े खाते तो उसको ना खाने में से वेजिटेबल्स खाना बहुत आसान होता है बोल के ना वो बहुत बड़े बड़े खाने लगता है, तो उसकी दीदी ना चिट्ठी है तो कि तुम अभी छोटे खाटोगे या घर से बाहर फेंक दे बोलती है, तो विंग ना डर जाता है क्योंकि अभी उसकी दीदी ना उसको गुस्सा आता है वो क्या करती है उसको भी नहीं मालूम, तो अभी ना बहुत छोटे छोटे काटने लगता है एंड सोचता है कि अभी मुझे खाना खाने में बहुत देर होने वाला है बोल के ना वो सोचते हुए ना वो काटने लगता है एंड अभी ना 2-3 days ऐसे जाने लगते हैं मीन्स रात को ना वांगजिंग को उठाता है विंग एंड बोलता है कि खाना पकाओ एंड खाना पकाने के बाद बस उसका सर भी खाता है थोड़ी देर एंड उसके बाद ना विंग ना थोड़ी जल्दी आ जाता है शाम को एंड वो सोता है एंड फिर 7 o'clock को ऐसे उसकी दीदी को खाना पकाने में मदद करता है वेजिटेबल्स काट के देता है एंड ऐसे इसना एक 5-6 days हो जाते हैं एंड यह ना वांगजिंग का ना हेल्थ ख़राब होने लगता है क्योंकि ना वो बहुत टायर्ड हो जाता है एंड यह विंग ना उठाता है रात में ऐसे इसना वो ना बहुत ज़्यादा टायर्ड होने लगता है पर किसी को भी नहीं बताता कि मैं टायर्ड हो गया हूँ एंड मुझे सोने का है एंड वो ना लीव भी नहीं लेता मीन्स हॉलीडे एंड लीव ऐसा कुछ भी नहीं लेता है एंड वो ना डेली ऑफिस को जाता है एंड या ना मैं ना डेली आता है एंड रात को उठने के लिए शाम को ही सो जाता है एंड तो या ना विंग का तबीयत ना एकदम टिप टॉप रहता है एंड आज के लिए इतना ही। तो मैं ना यही छोड़ने में ना मेरा गला बहुत दुख रहा था तो मैं आज के लिए इतना ही बोल रही हूँ एंड वीडियो में ना बहुत सारा अटक अटक के बोली हूँ एंड थोड़े पास को ना मैं खाट के फिर से स्टार्टिंग से बोली थी, तो आपको ना थोड़ा डिस्टर्बेंस लगेगा पर मैं कितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड तो उसके लिए सॉरी, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, तो आज मैं बकबक कुछ भी नहीं करूँगी एंड स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, तो स्टोरी के स्टार्टिंग में यह होता है कि विंग ना वांगजिंग को उठाता है रात में, उठा के बोलता है कि मुझे ना कुछ अच्छा खाना बना के दो एंड मैं जो खाने का आया बोलता है,
तो वांगजिंग ना टाइम एंड ना खाना बनाने के लिए जाता है। उसका तबीयत ना भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो वो ना कुछ भी बोलता नहीं है एंड वो उठता है एंड खाना पकाने के लिए जाता है। एंड बहुत देर के बाद भी ना वांगजिंग ना आता नहीं है, तो वांग सोचता है कि अभी इसको क्या हुआ, इतनी देर हो गया है अभी तक क्यों नहीं आया बोल के ना वो उठ के जाता है एंड जाके देखता है कि वांगजिंग ना मीन्स खा रहा था एंड वेजिटेबल्स खा रहा था। उसके आईज ना बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, मीन्स क्लोज हो रहे थे, तो भी वो खाना बना रहा था। तो मीन जाता है पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, मीन्स देखने में तुम उतने ठीक नहीं लग रहे हो, तो तुम्हें क्या हुआ बोले तो वांगजिंग ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो एक 5 मिनट रुको खाना बन जाएगा बोलता है। तो मीन को ना कुछ ठीक नहीं लगता, मीन्स वांगजिंग का फेस पूरा ना पेल हो गया था एंड तो वो ना हाथ लगाता है एंड चेक करता है कि तुम्हें क्या बुखार है वो ये बोल के ना उसको चेक करने लगता है एंड बोलता है कि तुम्हें तो बुखार है एंड तुम किसी को भी क्यों नहीं बोले वो ये बोल के ना उसको डांटने लगता है। तो मंगी बोलता है कि अभी मुझे बुखार है तो तुम क्यों डांट रहे हो बोल के ना वो खाना बना देता है, ऐसे बात करते हुए बना देता है एंड बोलता है कि ये लो तुम ना अभी खा लो एंड खा के सो जाओ, मुझे ना उठाओ मत बोल के ना वो खाना लगा के वो ना जाके सोने के लिए सो जाता है। उसके बाद ना विंग ना जाता है वांगजिंग के पास एंड बोलता है कि तुम ना पहले चलो मेरे साथ, मैं उसको खाना खाने का नहीं है, तुम ना मेरे साथ हॉस्पिटल चलो बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि अभी कौन सा हॉस्पिटल में जाएंगे, अभी बहुत रात हो गया है एंड अभी ड्राइव करके जाना वो ये मेरे से नहीं होगा एंड तुम्हें तो ड्राइविंग आता है इसलिए बोलता है। तो विंग ना कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वह सच्चा है, उसका ना कुछ भी करने नहीं आता, बस उसको ना लैपटॉप उसमें ज़्यादा नॉलेज है, खाना पकाने में गाड़ी में किसी में भी नॉलेज नहीं है, वो एक काम बिगाड़ देता है। तो मैंने कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम ना अभी सो जाओ टैबलेट्स की और क्या बोल के पूछता है। तो वही बोलता है कि हाँ मैंने ले लिया बोलता है। तो वो भी बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर सो जाओ बोल के ना वो ना बहुत थोड़ा बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका इंसल्ट कर दिया है अभी, तो उसको ना सलाह देता है एंड जाता है अभी बाहर जाके ना खाते हुए सोचता है कि मुझे ना अभी भूख लगा है तो मैं खा रहा हूँ बोल के ना वो ऐसे खुद में खुद बात करने लगता है क्योंकि कोई भी नहीं है ना, तो ऐसे बात करते हुए अभी खा लेता है एंड उसके बाद ना जाके सो जाता है एंड उसके बाद ना सुबह हो जाता है। सुबह हो जाने के बाद विंग मिलता है कि अभी चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो बोलता है। तो वंगी मिलता है कि अभी मेरा बुखार ठीक है बोलता है। तो विंग ना चेक करता है पर उसका बुखार ना और बढ़ गया था, तो वो ना भी बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगे या मैं तुम्हारी मम्मी को बुलाऊँ बोलता है। तो वंगी मिलता है कि तुम छोटा बच्चा मीन्स छोटे बच्चों को बढ़ाते ना तुम्हारी मम्मी को बुलाऊँगी ऐसे बोल के ना टीचर्स डराते ना ऐसा क्यों डरा रहा है बोल के ना वो बोलता है। तो विंग बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम तुम अभी चलो मेरे साथ बोलता है। तो अभी मांगजिंग भी ठीक है चलो, अभी उसका भी तबीयत ठीक नहीं था तो अभी क्या ही कर सकते बोल के ना वो दोनों चल जाते हैं, किसी को भी नहीं मिलता है, सुबह सुबह ही दोनों भी चल जाते हैं। तो अभी सभी लोग ना परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों भी कहाँ गए बोल के ना वो लोग ना परेशान हो जाते हैं एंड सभी लोग कॉल करने लगते हैं कि तुम लोग कहाँ हो ये बोल के ना उन लोग कॉल करते हैं एंड ये लोग ना हॉस्पिटल में एंड यह ना हॉस्पिटल में क्या होता है कि वांगजिंग को ना एक बेड दे देते हैं एंड उसको बोलते हैं कि तुम ना एक दिन पूरा रेस्ट करो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो एंड मुझे मालूम है मीन्स वो फैमिली डॉक्टर है तो वो बोलता है कि मुझे मालूम है तुम अभी तुम्हें छोड़ दिया तो तुम घर में जाके फिर से काम में जुड़ जाओगे तो इसलिए ना तुम यहीं से रहो तुम्हारा बुखार ठीक होने तक एक दो दिन में तुम्हारा बुखार एकदम टप हो जाएंगे बोलता है। तो वांगजिंग भी अभी ठीक होता है तो मैं बोलता है कि इसका ना मज़ा आ रहा था क्योंकि डॉक्टर डांट रहा है तो उसका ना मज़ा आ रहा था तो बाजू में ठहर के सुन रहा था। फिर उसके बाद ना डॉक्टर ना वांगजिंग को डांटने के बाद ना विंग के पास आता है एंड बोलता है कि तुमसे शादी होना है इसका बोलता है। तो वो भी बोलता है कि हाँ बोलता है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि अच्छा सॉरी मैंने मीन्स तुम्हारे बैरिस्टर में नहीं आ सका मुझे ना बाहर जाने का था वो ये बोल के ना वो बोलता है एंड बोलता है कि तुम तुम्हारे हस्बैंड का केयर भी नहीं कर सकते बोल के ना अभी विंग को डांटने लगता है। तो विंग को ना भी अभी कितना मज़ा आ रहा था कि वांगजिंग को डांटते समय ना अभी ना उसको उतना गुस्सा आ रहा था एंड रोना भी आ रहा था कि उसको ना डांट रहे बोल के डॉक्टर।
तो वो कुछ भी नहीं होता है, जस्ट सुनता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम दोनों का शादी हो के थोड़े ही दिन हुए, अब तुमने उसका ये हालत कर दिया। बोले तो अभी भी ना सोचता है कि मैं वेट करने के लिए मैंने उसके साथ शादी किया है, बोल के सोचता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम ना उसको इतना मत सताओ, ये बीमार हो जाएगा। एंड ये कभी भी किसी को भी नहीं बोलता है कि ये बीमार है, बल्कि बचपन में भी ये ना किसी को बोलता नहीं था, इसके पेरेंट्स देखने थे, लग किसी को भी मालूम नहीं था, वो ये बोल के बोलता है। तो अभी मीन को ना थोड़ा बहुत गिल्टीनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है पर भी किसी को नहीं बोला, वो एक पहला है। अभी इसको बुखार भी है, वो किसी को भी नहीं बोला, तो उसको ना थोड़ा बहुत गिल्टीनेस होता है, तो वो ना अभी कुछ भी नहीं बोलता है। तो उसके बाद ना उसको कॉल आता है, उसके फैमिली मेम्बर्स पूरे कॉल करते हैं एंड बोलते हैं कि तुम दोनों कहाँ गए हो, वो ही बोल के ना पूछते हैं। तो विंग बोलता है कि वांगजिंग का तबीयत ठीक नहीं था, तो हम लोग हॉस्पिटल में आए बोल के बोलता है। तो सभी लोग ना हॉस्पिटल में आते हैं कि अभी बीमार हुआ थे, हॉस्पिटल में एडमिशन ही हो गया है बोल के ना उन लोग ना बहुत टेंशन होकर ना उन लोग ना हॉस्पिटल में आ जाते हैं। एंड आ जाने के बाद ना सभी लोग बात करने लगते कि अब अच्छा इतना ही था, मीन्स इतना सीरियस नहीं था, वो ये बोल के ना सभी लोग बात करने लगते हैं। बात करते समय ना ये टॉपिक आता है कि अभी विंग का ना चेकअप करेंगे एंड देखेंगे मीन्स वो एंड उसका बेबी दोनों भी ठीक है क्या नहीं बोल के चेकअप करेंगे बोल के ना सभी लोग बात करते हैं। तो विंग ना सुन लेता है एंड उसका ना बहुत डर लगता है क्योंकि उसका पोल खुलने वाला है। तो वो मुझे मालूम है कि कभी ना कभी पता चलेगा कि मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ बोल के ना वो सोचता है। हम बोलता है कि पर मैंने सोचा कि थोड़ा वांगजिंग को इंप्रेस करने के बाद उसको धीरे से बोल के फिर उसके बाद सभी लोगों को बोलने का सोचा, पर अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि सभी फैमिली है एंड सभी को एक ही बार पैदम पड़ा, तो मेरा मैं तो मर ही जाऊँगा बोल के ना सोचता है। एंड बोलता है कि मुझे ना अभी वांगजिंग के लिए ना मुझे कुछ लाने का है बोल के ना वो ना निकल जाता है हॉस्पिटल से। एंड घर को जाने के बाद ना सोचने लगते हैं कि अभी कभी ना कभी पता चल जाए, कितना हो सके उतना जल्दी सभी को पता चल जाएगा, वो ये बोल के ना वो सोचने लगता है। एंड सोचता है कि अभी मैं वांगजिंग को बताऊँगा पहले बोल के ना वो सोचता है। एंड सोचता है कि अभी वांगजिंग को बोलने के बाद वो कितना गुस्सा होगा, वो ये बोल के ना सोचता है। एंड सोचता है कि पहले उसको इंप्रेस करूँ क्या बोल के वो सोचता है, पर वो सोचता है कि पर मैंने इंप्रेस करा तो और गुस्सा हो सकता है, वो ये बोल के ना वो ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसके माइंड में। तो लास्टली वो क्या करता है, मतलब उसका ना कुछ भी समझ में आता है, तो अभी वो सोचता है कि अच्छा ठीक है वो ना अभी घर में आने कैसा इंतजाम करना होगा, मीन्स वो घर में है तो उससे बात कर सकता है, हॉस्पिटल में है तो कोई ना कोई उसके साथ रहेगा, तो हॉस्पिटल में बिल्कुल भी बात बन नहीं सकती है। तो वो ना वेट करता है कि कब वांगजिंग आएगा घर में बोल के ना वो वेट करने लगता है। एंड अभी नेक्स्ट डे ना वांगजिंग ना 8:10 ऐसा आता है। तो आने के बाद इतना सभी लोग ना अभी विंग एंड वांगजिंग को दोनों को अकेले में छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी वांगजिंग हॉस्पिटल में था तो विंग का हॉस्पिटल में आया इसने था, जस्ट उसको एडमिट करके वो घर आ गया था। तो सभी लोग सोचते कि अभी उन दोनों का अकेले छोड़ दिया तो बेस्ट है बोल के ना सभी लोग उन सोचते हैं एंड उन लोगों के रूम में चल जाते हैं। एंड या ना वांगजिंग एंड विंग ना दोनों भी सोफे के ऊपर बैठे हुए थे, तो विंग ना उठता है एंड उसके घुटनों के बल बैठ देते हैं एंड बोलता है कि सॉरी बोलता है। तो या वांगजिंग सोचता है कि उसकी वजह से मैं बीमार हुआ तो उसको थोड़ा गिल्टीनेस हो रहा है एंड वो सॉरी फील कर रहा है बोल के ना वो सोचता है। एंड वांगजिंग बोलता है कि तुम ना इतना टेंस मत हो, मेरा ना वर्क बर्डन बहुत था तो इसलिए मेरा हेल्थ ख़राब हो गया था एंड तुम ना ज़्यादा मत सोचो। एंड ये है कि मुझे ना डर था कि मैं तुम दोनों को ठीक से संभाल पाऊँगा या नहीं, मुझे ना वो डर था। तो मैंने ना एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है एंड तो अभी वो सक्सेस हो गया है, तो अभी 2-3 ईयर्स तक ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो तब तक ना ठीक है। एंड उसके बाद कभी मैं थोड़ा थोड़ा बल्कि ना
कर दूंगा तो हमारी लाइफ एकदम सेट होगा, वो ये बोलकर बोलता है। तो यह ना मैं सोचता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें अभी सच्चाई बताओ, तो तुम ऐसे बातें कर रहे थे, मुझे ना अभी डर लग रहा है कि तुम क्या रिएक्ट करते हो करोगे बोल के ना, और ना उसके पैंट को ना पकड़ के ऐसे खींचते रहते हैं। तो वांग जिंग ना उसके हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम ना अभी चिंता मत करो, तो अभी चलो बोल के ना उसको उठा के ले जाने लगता है। तो अभी विंग बोल देता है कि मैं फेंकने नहीं बोलता है, तो वांग जिंग बोलता है कि क्या बोलता है, तो विंग बोलता है कि हाँ मैं नहीं हूँ, मुझे ना तुम ना पसंद आ रहे थे, तो तुमने ना किसी और लड़के के साथ तुमने सेट किया है, तो मुझे ना गुस्सा आया एंड मैंने वो बोल दिया है, वो ये बोल के ना वो भगने लगता है। तो वांग जिंग बोलता है कि सच्ची तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम प्रेग्नेंट हो बोल के, एंड इससे बड़ा सा झूठ तुम कैसे बोल सके हो। एंड बोलता है कि तुम मुझे ना चाहे तो तुम मेरे साथ दो बार सेक्स किया है, तो तुम्हें शादी करने का है बोले तो करने का है बोल के ना तुम मुझे ब्लैकमेल भी कर सकते थे, मैं ना तुमसे शादी कर लेता था, तो तुमने ना इतना बड़ा झूठ बोला है मुझसे बोल के ना वो ना बहुत गुस्से में दिख रहा था। तो वो भी बोलता है कि सॉरी बट मुझे ना तब कुछ भी समझ में नहीं आया बोलता है। तो वहाँ भी बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो, वो भी बोल के ना उसका ना हाथ झटकता है, एंड झटकने के बाद ना वो ना रूम में जाता है एंड डोर लॉक कर देता है, वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो यार ना वांग जिंग को ना थोड़ा बहुत फीलिंग्स आ रहा था, तो अभी विंग ने ऐसा बोल दिया तो वांग जिंग को ना गुस्सा आया था, तो वो ना भी डोर लॉक कर देता है एंड जाके सो जाता है। तो या ना विंग ना उसका हाथ झटकने के बाद ना उसको ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, एंड तो अभी ना वो कुछ भी नहीं हो रहा है एंड सोफे को ऊपर ना ऐसे खामोश से बैठ जाता है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना उसकी दीदी आती है एंड बोलती है कि अभी तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, मीन्स कुछ वांग जिंग जाके डोर क्यों लॉक किया है एंड तुम क्यों बाहर हो, ये बल्कि ना उसकी दीदी पूछती है। तो वांग जिंग ना कुछ भी नहीं बोलता है, तो उसकी दीदी ना समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है, बल्कि ना उसकी दीदी को समझ में आ जाता है। एंड उसकी दीदी ना क्या करती है कि वेजिटेबल्स लेके देखती है एंड बोलती है कि तुम ना काटो वेजिटेबल्स एंड माइंड को ना थोड़ा डाइवर्ट करो बोलती है। तो विंग बोलता है कि ठीक है बोल के ना उसको वेजिटेबल्स को काटने लगता है। वेजिटेबल्स काटते समय ना विंग का हाथ थोड़ा कट हो जाता है, तो विंग ना बल्कि हाथ को झटकता है। उसकी दीदी आती है एंड देखती है कि उसका हाथ ना कट गया है, तो उसकी दीदी ना बैंडेज बॉक्स लेके आती है एंड बोलती है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, ये बोल के ना उसके हाथ में ना दवाई लगाते हुए पूछती है। तो वो लगाते समय ना वो पूछते समय ना उसका ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड आँखों में ना पानी घूम रहा था एंड वो ना उसके लेफ्ट हैंड में ना कट हुआ था, तो उसको ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड उसकी दीदी ना बांधने के बाद बोलती है कि अभी हो गया है तुम्हारा मीन्स पट्टी बोलती है। तो उसको पट्टी को देखने के बाद इसने अभी रोना आ जाता है, तो रोने लगता है। दीदी ना पीछे हाथ फैलाते हुए बोलती है कि अभी ठीक है तुम मत रो बोल के ना उसको ना कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। पर या ना विंग को ना वो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, तो वो बोलता है कि मुझे ना कुछ भी नहीं मानो मैं पागल हूँ, ये बोल के ना वो ना रोते हुए बोलता है। तो उसकी दीदी ना बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम शांत रहो पहले तुम शांत रहो बोलती है। तो आज चलिए इतना ही, तो वो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।